हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पूरनपोली। पूरनपोली महाराष्ट्र की फेमस डिश है, जो कि स्वीट्स की तरह यूज़ होती है। तो इसके लिए हमने एक कप चने की दाल को भिगो दिया था और ये अच्छे से गल चुकी है, बट हमें अभी इसको बॉईल करना होगा ताकि हम इसे अच्छे से मैश कर सकें। तो हम इस दाल को बॉईल कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस दाल को भिगो दिया था इसलिए मैं इसको ओपन पैन में ही बॉईल कर रही हूँ। तो देखिए, अब हमारी दाल उबल चुकी है और ये अच्छे से गल भी चुकी है। तो अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब हमारी चने की दाल ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे मिक्सी जार में डाल लेंगे और अब हम इस पर डालेंगे गुड़ और चीनी। इन सबको हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो अब हमने ये दाल का मिक्स पेस्ट बना ली है, तो अब हम इसे भुनेंगे। तो अब हम चने की दाल, पिसी हुई चीनी और गुड़, इन तीनों को अच्छे से भुनेंगे। हमारे इसकी दाल, चने की दाल की थोड़ी सी सिकाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जायफल। वो कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा, इससे इसका फ्लेवर और बहुत अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। और अब हमने गैस भी बंद कर दिया है, तो ये हमारा पूरन बनकर अब हम पोली के लिए आटा गूंदेंगे। तो अब हमने पूरन बना लिया था और अब हम पोली के लिए 2 कटोरी आटा लेंगे और इसमें 3/4 कटोरी हम मैदा मिलाएंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल मिलाएंगे मोयन के लिए। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आटा लगा लिया है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट को रख देंगे। अब हम आटे में थोड़ा सा घी लगा के इसको दोबारा से मस लेंगे, अच्छे से इसको चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आटे की छोटी छोटी लोई बना ली है। अब हम इसको बेलेंगे। हमने इसे पूरी के आकार का बेल लिया है। अब हम इसमें जो हमने पूरन बनाया था उसकी एक बॉल बनाएंगे और इसमें फिल करेंगे और इसको कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे और पहले हम हाथ से इसको ऐसे चपटा कर देते हैं ताकि ये फीलिंग सब तरफ फैल जाए। और हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और फिर इसे बेलेंगे। तो हमने ये बेल लिया है और अब हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इधर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, हम इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इसको चिकना कर लेंगे और फिर जो हमने पूरन पोली बनाई है उसे हम इस पर सेकेंगे। और अब हम इसे घी में सेकेंगे
तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली बनकर तैयार है। इसे महाराष्ट्र में भी घी और दूध के साथ खाया जाता है। इसमें देसी घी का यूज़ किया जाता है। तो ये लीजिए, हमारी पूरन पोली बनकर तैयार है। इसे आप घी और दूध के साथ इंजॉय करें। ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है पूरन पोली। आप पूरन बनाने के बाद पूरन का यूज़ आप मोदक बनाने में भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।